What's up guys, I'm Sachin and you're watching Feel the Life. फिर से निकल पड़े हैं हम लोग नए डेस्टिनेशन की तरफ, पालेलम की तरफ। यहाँ के जो प्रोनाउंसिएशन थोड़े कच्चे हैं मेरे। इष्टे हमारा अगोंडा में ही है, लेकिन घूमने आज नए बीच पे जा रहे हैं। वहाँ बोर हो गए थे अभी अगोंडा बीच पे। बोर मतलब दो दिन तो वहाँ पे निकाल दिए हमने, वीडियो में दिखाने को नहीं बचा था कुछ अब तो, और नया कुछ एक्सप्लोर भी करना था तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा। पता नहीं वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे भी आके गया हूँ मैं। क्योंकि बीच के नाम नहीं याद रहते मुझे। और ये गौ माता बीच में आते हुए, बीच में मतलब रास्ते के बीच में। वैसे तो बीच में भी गौ माता बहुत थी। और आपने तो कल मेरे पीछे भी लगा दिया था एक। शुक्र मना उसने समझने आया नहीं तो मजा आ जाता था। तो रास्ता काफी मस्त है और हम भी काफी मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ये ओवरटेकिंग बहुत गलत है। और इधर काफी रिजॉर्ट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, मतलब आप इस रोड पे जाओगे ना तो स्टे के ऑप्शन काफी मिल जाते हैं ना। हाँ, और काफी सस्ते भी है। हाँ, और खाने का भी इस पे हल्का फुल्का मिलता जाता है। खैर आज तो हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट। और केजरीवाल जी भी थे यहाँ पे। हाँ, केजरीवाल जी आ गए हैं गोवा में। ठीक है, चलो देखते हैं आगे और क्या क्या कैसे कैसे नजारे दिखते हैं आपको। सब दिखाते हुए जाएंगे और मजे करते हुए जाएंगे। बताओ, आप बोलो क्या बोलने का। मैं तुम्हारे व्लॉग बोलो, मैं चुप नहीं होता फिर। तो रोड ना बहुत ही पतला है ये, लेकिन स्मूथ बहुत है। ये चीज ना बड़ा मजेदार लगती है मुझे यहाँ पे, मतलब गोवा के अंदर स्पेशली साउथ में। साउथ में क्या, जितने भी आप बीच के साइड जाओगे ना, रोड पतले मिलेंगे लेकिन स्मूथ मिलते हैं। और दोनों तरफ मतलब पेड़ होते हैं। खैर थोड़ा सा रहता है यहाँ पे सांप वगैरह का, इन तरह की चीजों का रिस्क रहता है। तो पैदल तो रिस्की है, पर बाइक पे गाड़ी में आप आराम से एंजॉय करोगे यहाँ पे। तो ये पालेलम की तरफ आ चुके हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा बाकी है बीच। बीच कहाँ से, राइट लेफ्ट होगा शायद। तो बीच पे ही हम लोग पार्किंग करेंगे और फिर से नहाने जाना है। आज तो कंधे जवाब दे रहे हैं मेरे। जो मुझे जवाब दे जाना तो आ जाओगे आप खुद ही हमें देख के। हाँ वो तो है, वहाँ पे आने के बाद में तो जाना ही पड़ेगा। ये मार्केट टाइप है थोड़ा। हाँ, और भीड़ भी ज्यादा लग रही है ना यहाँ पे। हाँ, इधर रस है थोड़ा। हाँ, तो अगोंडा पे जैसे रस नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा रस है। ये छोटा मार्केट है। तो अब हम यहाँ पे पार्किंग कर दिए। पार्किंग के है 50 रुपये। और यहाँ पे ना मास्क लगे हुए हैं सबके, तो मास्क है तो फिर मतलब है इतना सेफ। और ये देखो, ये मार्केट है, कपड़े है यहाँ पे मार्केट में। सही है, ये मार्केट अच्छा है, मतलब जितने भी देखे ना उसमें ये सबसे बड़ा मार्केट दिखा मुझे यहाँ पे। अच्छा, ये चाय वगैरह है टोटल। ये देखो, चुटकू चुटकू बच्चों के भी कपड़े हैं। सही है, सुवेनियर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। डफली लेदर वाले बैग्स हैं, कपड़े ही है ज़्यादातर, चप्पल कपड़े बैग्स। और ये एक साइड पूरा पार्किंग है यहाँ पे। ये है बीच, पालेलम बीच। ये थोड़ा फैमिली वाला बीच है, मतलब यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा आती है और भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। शॉप्स बने हुए हैं, सब चीज़ है यहाँ पे, मतलब मेडिकल वगैरह सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी बोट राइड वगैरह सब है, वाटर स्पोर्ट्स मिलेगा, कायाकिंग है। हाँ, कायाकिंग ना कितनी के ना, कितना कितना लेते हैं एक का? 200 रुपये पर बंदा लेते हैं। पर बंदा और बना, कितना बना एक घंटे के लिए? 200 रुपये। और आप ही आओगे साथ में या फिर सेल्फ भी जा सकते हैं, विद ट्रेनर भी जा सकते हैं? अच्छा, आपके चॉइस पे है। अच्छा, 200 रुपये ना, 200 रुपये पर बंदा। ये 200 रुपये एक घंटे का कायाकिंग है। और ये जो बीच है ना काफ़ी शांत है, मतलब इतने बड़े बड़े वेव्स नहीं है, तो यहाँ पे ये टाइम पे कायाकिंग करना मतलब मज़ा आ जाएगा ऐसा है कुछ। तो देखते हैं, 200 रुपये एक घंटा अच्छा है। और मुझे लगता है एक कयाक में दो लोग आ सकते हैं, इससे
इससे पहले मैंने किया है कायाकिंग, बट वो नदी में किया है, समुंदर में नहीं किया है। और ये लाइफ गार्ड भी है वहाँ पे, तो सेफ है बहुत ज़्यादा। बोट बहुत है और देखो मस्त बीच हट बनी हुई है, बीच हट। और ये नारियल के पेड़ है, सही है यार, ये बीच मस्त है, बीच अच्छा है, बीच काफ़ी अच्छा है, भीड़ है बट मस्त है। हाँ डबल स्टोरी हट है। अच्छा नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर ऊपर हट, सही है। ये बोट लगी हुई है, बड़ी मस्त लग रही है एकदम। ये बीच भी काफ़ी लंबा है, वहाँ से लेकर के ऐसा पूरा वहाँ तक कम से कम 2 या 3 किलोमीटर का होगा ये भी। और इतनी धूप है फिर भी हम लोग यहीं पे हैं। ये तो जेली फिश ही है शायद, ये देखो ये जेली फिश है, इनको जबा के देखते। ओह हाँ जेली फिश ही है। हाँ हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, यहाँ पे है अपने को नेटवर्क, 4G नेटवर्क मिल रहा है मोबाइल में। और ये देखो ये मस्त हट बनी हुई यहाँ पे, मतलब ये छाते बने हुए, तो हम लोग यहीं पे रुक गए थोड़ी देर। मेरा अब नहीं है, मेरे पीठ बहुत खुजा रही है, तो शायद मैं नहीं जाऊँगा अभी अंदर। तो यार मन तो नहीं था बट ये लोग मान नहीं रहे, और आज का वैसे लास्ट डे है, तो चलो जाते हैं यार समुंदर में, कोई ना इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मजा आ रहा है। हाँ तो चलिए, थोड़ा अभी बैक वाटर है, यहाँ पीछे तक गया हुआ है ना, तो हम लोग अब वो वाले बीच पे जाने वाले हैं। और ये जो है यहाँ पे भी बीच हट्स बनी हुई है, काफ़ी अच्छी है, 2000 से 3000 1500 ऐसे कुछ रेट्स है, और वो भी सीजनल है, तो काफ़ी अच्छा है। रेट जो है ना वो वेरी होते रहते हैं सीज़न के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी पावर है कन्विंसिंग बार्गेनिंग पावर, तो आप अच्छे से बार्गेन करके अच्छी डील भी पा सकते हो। तो सिर्फ एक ही बात है कि आपको महंगा पड़ेगा फूड, फूड का है ना काफ़ी महंगा हो जाता है यहाँ। ये देखो बाहुबली जी के साम्राज्य में आपका स्वागत है। वाह क्या जगह है यार पाजी, यहाँ पे कैंपिंग करने में मज़ा आएगा है ना, बहुत सही है ये जगह। तो पत्थर देखो कितने सही है, पत्थरों के ऊपर ही रखो। हाँ महल ही है एक टाइप का बना हुआ। अरे पोलेलम बीच ही है, पोलेलम बीच ही है ये। और ये जगह तो मैंने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं की है, कभी यहाँ तक आया भी नहीं हूँ मैं। काफ़ी मस्त जगह है यार देखो यहाँ, और ये बंदा तैर रहा है। अरे वो तो कोई बूढ़े आदमी लग रहे, चेचा लग रहे, चेचा कुछ है पाजी पीछे। हाँ हाँ ऐसा करना है, सही है ये जगह। तो यहाँ पे भी ये बीच हट बनी हुई है, बट ये है ना शायद अभी बंद है पाजी, है ना। हाँ, वो लिखा भी होगा। हाँ वाह बहुत सही जगह है, पत्थर ही पत्थर है, और ये बीच में एक पहाड़ पड़ता है फिर। हाँ हाँ शायद उधर भी जा सकते हैं ना ऊपर, क्रॉस करके जा सकते हैं, वो वहाँ से पत्थर लगे हुए हैं ना शायद। ये सारे कॉटेज ऐसी है, और बहुत सही जगह है ये, मस्त है, ये मतलब पीसफुल है। हाँ लोग है ही नहीं, कुत्ता भी नहीं यहाँ पे। हाँ ओए केकड़ा मरा हुआ है, मरा हुआ है। हाँ कितना बड़ा है, और कलर भी तो देखो उसका कैसा है। हाँ हाँ यहाँ पे ये सी फोर टाइप इसे फिर से काफी मिलेंगे। पैर संभल के रखना।
तो हम लोग है ना डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन आ गए हैं, वहाँ पे है बटरफ्लाई बीच और हनीमून बीच। हाँ, तो ये जो जगह है ना बहुत सही है, वो बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, और कोई भी अच्छी चीज़ देखने के लिए ना आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आप देख सकते हो पीछे कितने पत्थर है। अगर यहाँ पे हाई टाइड चल रहा होता ना तो हम लोग हिम्मत नहीं करते। और ये देखो मरा हुआ क्रैब है यहाँ पे भी, काटना ले मरा हुआ कैसे काटेगा पाजी, ये देखो फिर भी डर लग रहा है मुझे उसको पकड़ने में। पत्थर पर आके गिर गया, वापस नहीं जा पाया। नहीं नहीं केकड़ा है उसका, तो वही लाइफ है ना, पानी के साथ आया। हाँ, पानी तेज आया होगा। हाँ शायद आप ठुक गया होगा यहाँ पे, पानी आता है क्योंकि ये निशान हो रखे है ना। हाँ तो पानी के साथ आया और यहाँ पे ठुक गया या मर गया होगा, मर गया होगा पत्थर से। हाँ पत्थर में बहुत सारे पड़े हुए हैं पीछे की तरफ देखे जो हमने, ये देखो एक ऊपर आया। और ये देखो ये है ना पंछी की बीट है, किसकी पंछी की है, कोई गीत वगैरह होगा ना उसकी है ये। एक ही पड़ा है देखो। हाँ ये भी है, अभी केकड़ा है, उठा लो उठा लो। यहाँ पे ना बहुत सारे क्रैब्स इस तरह के मरे हुए पड़े हैं। ये पत्थर के टेक्सचर भी देखो कितने सही है, ये देखो ये भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पत्थर पे बहुत सारे। ये तो है ना बॉइल हो रहा है पूरा, पक रहा है यहाँ पे। हम नंगे पैर आए हैं, ओए नहीं ये देखो क्या कर रहे हैं भाई, काटना ले मरा हुआ कैसे काटेगा, उसका भूत थोड़ी ना आएगा। हम लोग है ना ऐसे लेके जाएंगे, अक्षु को डराएंगे। देख मैं कितना बहादुर हूँ, पॉकेट में रख लो पॉकेट में, देखो मैं कितना बहादुर हूँ, इसको ऐसे रखेंगे अभी। तो ये देखो यहाँ के पत्थर भी देखो कितने टेक्सचर है यहाँ का, बहुत सही है। रास्ते में कितने कलर के पत्थर मिले, हाँ रेड ब्लैक येलो, हाँ येलो और वाइट ग्रीन, सारे कलर के पत्थर यहाँ पे पीछे को जाते हुए मिलेंगे। ये देखो वो सही है, मुझे तो वहाँ पे टीले पे जाके फोटो खींचने का मन कर रहा है। कैमरा उमरा ना छोड़ देना क्योंकि फिर ना बाबा निकाल नहीं पाएंगे। हम कैसे निकलेंगे वो टेंशन आ रही है मुझे अब तो। निकल जाएंगे वो तो, तो चलो निकलते हैं यहाँ से पहले। हाँ हाँ बट आप ऊप इन सब चीजों से बच के रहना है। हाँ 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 वही है, आदमी से तो हम निपट लेंगे, निपट लेंगे। पत्थर मारेंगे एक दो तो हम लोग वापस वो बीच पे आ गए हैं, और यहाँ पे ना बड़े बंदर भी है, वो देखो ये देखो ये वाला, ये देखो ये देखो गया गया गया। नहीं नहीं बंदर भी है, और ये हम लोग उधर से आए ऐसे घूम के पूरा पत्थरों से, और ये यहाँ पे अभी फिर से बीच में जा रहे हैं अंदर। बहुत सही, नहीं 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 पाजी अंदर ही रखो उसको, धूप है ना गर्म हो जाएगा। हाँ तो ये देखो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अभी एंट्री नहीं है, एंट्री अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो अब हम लोग फिर से अंदर जा रहे हैं। वो दिख नहीं जाता। हाँ नहीं कोई कैमरा अंदर रख दो। हाँ तो यहाँ पे ना शॉवर भी है, क्या बोलते इसको शॉवर ही बोलते हैं ना, बात बीच शॉवर, शैम्पू मत डाल देना ऊपर, मैं करते रहूँगा ऐसे। तो बीच से बाहर निकल रही, शावर ले लो मस्त। हाँ हाँ बस एक सेकंड एक सेकंड प्लीज। हाँ दो ना दो ना प्लीज, पहले भी बात क्यों? अरे चल रहे हैं, रेडी हो गए, ये बीच से निकलते हैं, तो देखते हैं कोई नया बीच एक्सप्लोर करते हैं, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फील द लाइफ। ये कौन से फिश है दादा? ये फिश
प्रॉन्स है, ये जेलीफिश है, ये तो जेली है ना, और ये क्या है, ये सही कीड़ा है, खाते नहीं उनको, और ये क्या है, वो तो खेकड़ा है ना, अरे बाप, और ये तो जहरीली होती है ना, ये तो पूरा पूरा है, हाँ हाँ उसमें से भी है, ये भी पूरा आया देखो, हाँ गंगा गंगा वो खाली है, खाली। ये इनको भी खा लेते हैं ये लोग कोई कोई, हाँ देखो कीड़े ही है, वो कीड़े भी बहुत आ गए, हाँ हाँ पापलेट जैसी लग रही है, प्रॉन्स है, हाँ ये देखो प्रॉन्स है, ये है प्रॉन्स, ये कौन सी है, सुरमई नहीं है, ये जिंदा है, नहीं तो मर गई है।